नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, पेपर में अपडेट आए थे कुछ जिलों में जो है मॉडल डीड से ही रजिस्ट्री होंगे, यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको मॉडल डीड के अनुसार से ही आपको रजिस्ट्री होगा, यानी कातिब की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट आए थे तो इसके अनुसार से मुझे लगा कि आप लोग को जागरूक करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो कि मॉडल डीड से ही जो है रजिस्ट्री कराते हैं। बाकी सब जो लोग हैं, यानी कि 80% जो है, यानी कि 100 में से 80 लोग जो हैं कातिब के सहायता से ही जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आवाज में आपको परिवर्तन दिखेंगे, क्योंकि सर्दी बुखार होने के कारण जो है मैं 2 दिन वीडियो आपको शूट नहीं कर पाया था, लेकिन जो ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आपको भविष्य में हो ना हो, आपको कहीं ना कहीं जो है आपको जमीन का रजिस्ट्री करना ही पड़ता है, चाहे आपको जमीन बेचना पड़ता है चाहे जमीन खरीदना पड़ता है। और ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ वाकई में जो है कमाल के। जो पर में अपडेट आया है कि मॉडल डीड जो है अनिवार्य कर दिया गया है, और मॉडल डीड के अनुसार से जो है आपको रजिस्ट्री कराना होगा जमीन का। देखिए दोस्तों, जो रजिस्ट्री का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं कातिब को पैसा देते हैं, कातिब भी जो है अपना कमीशन कमाता है, और उस केस में जो रजिस्ट्री के जितने खर्च होते हैं उससे अधिक खर्च आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मानिए, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, चाहे जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो वीडियो देखने के लिए बोलूंगा, अगर आप 2-3 वीडियो देख लेते हैं, आप खुद जो है अपने मकान और अपने जमीन का जो भी रजिस्ट्री होता है वो जो है कातिब की तरह आप बन जाएंगे। यानी कि आप कम भी पढ़े लिखे हैं फिर भी कोई नहीं फर्क पड़ता है, आपको हर तरह के रजिस्ट्री आप कर सकेंगे। यानी कि बंटवारा का पेपर बनाना हो, चाहे आपको खरीदने बेचने वाला जो है डीड बनवाना हो, वो सब जो है आप कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये मॉडल डीड से क्यों अनिवार्य किया गया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कातिब जो होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से जो है रजिस्ट्री पेपर तैयार करते हैं, यानी कि वो अपने अनुसार से जो है लिखते हैं और वहां पर अपने अनुसार से जो है पेपर तैयार करते हैं। लेकिन अगर ये मॉडल डीड के अनुसार से अगर रजिस्ट्री होंगे तो जिस तरह से इसका ऑलरेडी जो है फॉर्मेट होगा कि आपको जमीन बेचना है या खरीदना है, तो इस फॉर्मेट जो है आप लिखिए और उसका निबंधन कराइए। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मेट में लिखने का पूरा प्रोसेस, जैसे कि मॉडल डीड आपको कैसे आपको देखना होगा, कैसे आपको लिखना होगा, हर चीज जो है वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं एक ही वीडियो में आपको मॉडल डीड भी दिखा दूं और लिखने का तरीका भी दिखा दूं, साथ में इसका निबंधन का प्रोसेस बता दूं, आपको कैसे ऑनलाइन सब आपको करना है, घर बैठे बैठे निबंधन आपको कैसे कराना है, आपको ऑफिस कब जाना होता है, ये सारा चीज जो है मैं एक ही वीडियो में आपको बता नहीं सकूंगा। इसीलिए जो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद मॉडल डीड दिखाऊंगा। मॉडल डीड देखने के बाद आपको कि अगर आप इस तरह के आपका मान लीजिए जमीन आप बंटवारा करना चाहते हैं तो उसका पेपर आपको कैसे तैयार करना है, साथ में आप बेचना खरीदना चाहते हैं तो उसका पेपर आपको कैसे तैयार करना है, ये चीज जो है मॉडल डीड में आपको दिखाऊंगा, हर तरह के मॉडल डीड में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपका मॉडल डीड दिखाने के बाद इसको आप इसका फीस निबंधन फीस जो होता है उसको आपको कैसे जमा करना होता है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना होता है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलने के बाद आपको रजिस्ट्री ऑफिस कैसे जाना होता है, वो सारा चीज और किन किन को लेकर जाना होता है वो सारा चीज हम आपको बता देंगे, ताकि जमीन का रजिस्ट्री कराते समय, यानी कि जमीन का निबंधन या मकान का निबंधन कराते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी कि ए टू जेड जो के काम होते हैं आप घर बैठे बैठे कर लेंगे। लेकिन ये सारे वीडियो 2-4 वीडियो जो आएंगे वो आपको देखना होगा। थोड़ा पहले से जो है आवाज में चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मेन जो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, वाकई में कमाल के चीजों में आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब आवेदन खुद से आप कर सकेंगे और इसका जब बात आता है तो आप लोग ये सोचते हैं कि हम अपने खुद से कैसे कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मॉडल डीड होते हैं, जैसे अंग्रेजी और हिंदी में जो मॉडल डीड होते हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 31 प्रकार के हैं, यानी कि 31 प्रकार के जो है फॉर्मेट ऑलरेडी है। इसमें आपका फॉर्मेट चयन करना होता है कि आपको क्या करना है, जैसे दान करना है या जमीन बेच रहे हैं या आप बंटवारा कर रहे हैं, तो जिस तरह के आपका काम होगा उसके अनुसार से आपको फॉर्मेट वहां पर सिलेक्ट करना होता है। हम ये सारा चीज आपको कि फॉर्मेट आपको कैसे सिलेक्ट करना होता है, वो सारे 31 तरह के जो फॉर्मेट होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग आप कब कर सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन जो निबंधन जो है कराने की प्रोसेस है इसका परिचय बता रहा हूँ, तो वीडियो आप लोग जरूर देखें, नहीं तो हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं गलती कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो कातिब होते हैं उनका काम खत्म करने के प्रोसेस में जो है हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपका जानकारी हो सके और कातिब का काम जो है आप खुद कर सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे चरण दिए गए हैं, ये सारे चरण से आपको फॉलो करना होगा। अगर ये सारे चरण अगर आप फॉलो करते हैं तो वाकई में जो है आप निबंधन संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, जब आप निबंधन कार्यालय जाते हैं तो उससे पहले आप एक पेपर तैयार करते हैं, तभी तो आपका निबंधन होता है।
तो निबंधन कार्यालय जाने से पहले अपना प्रारूप तैयार करें। प्रारूप तैयार करने के यहाँ पर दो प्रोसेस बताया गया है। पहला है कि जो है आप जो मॉडल डीड की बात हो रही है जो पेपर में आए हुए थे कि चार जिलों में जो है आप मॉडल डीड से ही जो है रजिस्ट्री होंगे, वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो मॉडल डीड पहले आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के प्रोसेस हम अगला वीडियो में बताएंगे क्योंकि इसमें आपको ओवरव्यू बता रहे हैं। अगर इसी में मैं प्रोसेस बताने लगूंगा डाउनलोड करने का तो वहां पर हो सकता है कि आपको समस्या होगी। तो पहले आपको प्रारूप जो है डाउनलोड करना होगा, वो प्रारूप जो है आपको फिलअप करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि जो है आप खुद जो है वेबसाइट पर जाकर जो है ऑनलाइन जो है सारा डिटेल आप भर दीजिए, वहां पर ऑटोमेटिक जो है आपका दस्तावेज तैयार हो जाएंगे। दो ऑप्शन यहां पर आपको है, यानी कि एक आप जो है मॉडल डीड जो है ऑलरेडी जो है फॉर्मेट वेबसाइट पर दिए गए हैं उसको डाउनलोड करके जो है जो भी आपका स्टाम्प पेपर है उस पर आप लिख लीजिए हूबहू। दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन के माध्यम से जो है फिलअप कर दीजिए, वहां पर आपको पेपर तैयार हो जाएंगे। दो ऑप्शन यहाँ पर देंगे। ये सारा प्रोसेस मैं आपको कर करके बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। दूसरा आपका काम ये है कि जब आप मॉडल डीड जो है डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें सारे फिलअप कर लेते हैं, तो जब आप मॉडल डीड तैयार कर लेते हैं, क्रेता विक्रेता का हस्ताक्षर आप ले लेते हैं, तो ये आपको द्वितीय चरण में क्या होता है कि इस पेपर को जो है आपको अपलोड करना होता है। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से फिलअप किए होंगे तो उसका प्रिंट निकाल कर जो है आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए भी मैं वेबसाइट बताऊंगा, वो भी आपको सारा चीज आपको मिल जाएगा। तृतीय चरण यहाँ पर यह होता है कि जब आप मॉडल डीड तैयार कर लिए हैं, उसका अपलोड कर दिया है, तो अब आती है फी का, यानी कि जो निबंधन शुल्क होता है, जो डॉक्यूमेंट का शुल्क आपको जमा करना होता है कार्यालय में, वो आप कैसे देंगे। मेन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है। तो इसके लिए जो है आपको सिर्फ जैसे कि बहुत सारे जमीन का अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई देहाती एरिया में खेती है, कोई बंजर भूमि है, कोई जो है घर मकान बनाने वाला है, तो बहुत सारे अलग अलग जमीन के जो है अलग अलग निबंधन फीस यहाँ पर होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तृतीय चरण में आपका कैलकुलेट करना होगा। जो भी आपका जमीन है उसके लिए आपको कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए भी आप टेंशन बिल्कुल ना रहे, नेक्स्ट वीडियो में यही सब आपको मिलेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि निबंधन कराने से पहले किन किन बातों को ध्यान देना पड़ता है और क्या प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस वन है कि आप जो है मॉडल डीड जो फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे कि बताया गया है पेपर में कि मॉडल डीड से रजिस्ट्री हो गए, तो मॉडल डीड जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसके अनुसार से आप जो है पेपर तैयार कर लीजिए, रजिस्ट्री पेपर सेम टू हूबहू लिख लीजिए, उसमें क्रेता विक्रेता का ले लीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद फी पेमेंट के बाद आते हैं। तो फी पेमेंट में आपको क्या करना होता है कि इसका कितना निबंधन शुल्क लगेगा, इसको कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करने के लिए हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना होगा। फोर्थ चरण यहां पर आप आते हैं कि कैलकुलेशन करने के बाद जो है निबंधन शुल्क, यानी कि जो आप कैलकुलेशन कर दिए कि आपका इतना पैसा लगेगा, उससे आपको फी पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके आपको रिसीव आपको लेना होगा। चतुर्थ चरण में ये काम आपको कर देना है। पंचम चरण आपका ये होगा कि जो आप फी पेमेंट कर दिए, जो आपका रिसीविंग मिल गया, आप जो है आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने का पहचान जो है आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तो सब जो है वेबसाइट में खोलने लगूंगा तो एक घंटा लग जाएंगे, इसीलिए जो है अपॉइंटमेंट आपको बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अंतिम चरण आता है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट आप बुक किए हैं, जिस दिन आपको कार्यालय द्वारा जो है डेट दिया गया है, उस दिन जो है जितने भी मॉडल डीड, यानी कि जो मॉडल डीड में जो भी हस्ताक्षर आप लिए हैं, जो भी व्यक्तियों का उल्लेख उसमें दिया गया है, वो सारे व्यक्तियों को जो है पकड़ कर आप जो है कार्यालय उस दिन पहुंचे। उस दिन आप जैसे ही आप कार्यालय पर पहुंचेगा, दस्तावेज आप प्रस्तुत कीजिएगा, तुरंत जो है वहां आपका निबंधन हो जाएंगे। निबंधन के बाद जो है आपको ये ध्यान देना है कि जो मूल दस्तावेज जो निबंधन कार्यालय से मिलेंगे वहीं पर आपको नहीं छोड़ना है, वो आपको घर लेकर आना है। आप घर लेकर आ जाएगा और वहां पर आप इस निबंधन जो आप डॉक्यूमेंट होंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है अपने अंचल में जो है देकर आप दाखिल खारिज करा लीजिएगा। तो जमीन रजिस्ट्री प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि घर बैठे बैठे आपको कैसे आपको रजिस्ट्री कराना होता है। इसके लिए आपको कातिब का चक्कर नहीं लगाना है, आपको क्या क्या प्रोसेस आपको अपनाना होता है हम आपको बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये प्रारूप दस्तावेज यानी कि प्रथम चरण में जो मॉडल डीड होते हैं उसे कैसे तैयार किया जाता है, ये कहाँ आपको मिलेंगे, ऑनलाइन आप कैसे चेंज कर पाएंगे कि जो है आपके लिए यही मॉडल डीड जो है सही होंगे, वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में हम आपको बताएंगे कि आपको अपलोड कैसे करना है। तृतीय चरण में फी पेमेंट वगैरह के बता देंगे कैलकुलेशन, उसके बाद फी पेमेंट, अपॉइंटमेंट, और आपको सभी लोगों को पकड़कर कार्यालय पहुंच कर निबंधन आपको एक दिन में कराकर घर आ जाना है। वो इसी प्रोसेस से आपको गुजरिएगा तो आपका जमीन का दस्तावेज जो है पूरी तरह से ऑनलाइन जो है निबंधन हो जाएंगे और भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। प्रारूप दस्तावेज कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, सारा डिटेल उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।